नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाना स्मूदी बनाना सिखाएंगे। या बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो इन गर्मियों में आप इस स्मूदी को एक बार जरूर ट्राई करिए। बनाना स्मूदी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 केले, 1 कटोरी दूध, आइस क्यूब, 5-6 बादाम गुनगुने पानी में आधा घंटा पहले भिगो कर लिया है, 5-6 काजू, 2 अखरोट, 2 खजूर लिया है जिसका बीज निकाल लिया है, थोड़ा सा पिस्ता बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। तो चलिए बनाना स्मूदी बनाते हैं। अब सबसे पहले केले को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोनों केलों को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम बनाना स्मूदी बनाएंगे। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें डालेंगे कटे हुए केले और ये आइस क्यूब, भिगो कर रखा हुआ बादाम, खजूर, अखरोट, काजू और ये थोड़ा सा दूध। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। स्मूदी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कटा हुआ केला। स्मूदी में हमने चीनी नहीं डाला है, खजूर और ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं, जिसकी वजह से स्मूदी बहुत ही मीठा है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाना स्मूदी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बनाना स्मूदी को आप जरूर ट्राई करिए और इसको डेली पीजिए। यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है।